और सड़ा हुआ पानी जिसमें केमिकल निकल रहा है और अलकल कतरा निकल रहा है वो पीने के लिए दिया गया है। अब जयराम दा के भी समर्थन है अखन आग लगते वो कारण नुनू हम विस्थापित लागी है, नुनू हम महतो लागी है, नुनू हम अंसारी है, नुनू हम मिश्रा लागी है, जाति की दुहाई देते हैं। हमने नाश्ता ना चाहिए, हमने के नियोजन चाहिए और डायरेक्ट नियोजन चाहिए। हम लोग को 6 साल से रगड़ा जा रहा है यहाँ पर विस्थापितों को। जो नेता यहाँ पर मोटरसाइकिल और साइकिल से आए थे आज फॉर्चूनर और सफारी पे घूम रहे हैं, जिनके लाशों पर पैर रख के वो ऊपर गए हैं। विधायक सांसद मुख्यमंत्री उसके बाद दिल्ली तक भी हमने अपनी समस्या को रखा। नेताओं को कड़ी धूप में आगे मोटरसाइकिल ले लेके ये लोग घूमते हैं और नेताजी जिंदाबाद बोलते हैं। आज वो नेता अपने इसी कमरे में बैठकर ठहाके लगा रहे हैं और मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। इन्हें मिलता क्या है 100 रुपया का मोटरसाइकिल में तेल और शाम में मांस और भात। करना होगा कि ये नेता है और उसे लीडर मानना होगा, और जब वोट के समय वो आपके पास जाएगा। जयराम महतो पूरा झारखंड इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो समर्थन मांगने के लिए घूम रहा है, लेकिन जब चुनाव के समय ये पैसा मांगेंगे, चुनाव के समय जाति पूछेंगे, चुनाव के समय क्षेत्र पूछेंगे, तो क्या जयराम महतो बच पाएगा? ठीक है, नमस्कार जोहार। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के जो नौजवान है ये लगातार एडीएम बिल्डिंग के समक्ष पिछले 3 दिनों से धरनारत थे, आंदोलनरत थे, और उसके बाद आज अचानक से इन्हें यहाँ पर कई नौजवानों को कैंप जेल की शक्ल में यहाँ पर पहुँचाया गया है। आंदोलन करने वाले नौजवानों को नौकरी की मांग, नियोजन की मांग और उम्र सीमा की मांग को लेकर लगातार ये नौजवान आंदोलनरत रहे हैं। इस क्षेत्र में बड़े राजनेताओं के रहते हुए भी इन नौजवानों को आज ये नज़ारा और ये परिदृश्य देखने को विवश होना पड़ा है, और इन सब के बावजूद जो राजनीति करते हैं विस्थापितों की, चाहे किसी भी बड़े नेता की बात करें, आज खामोश हैं। लेकिन इन नौजवानों को एक सहारा मिला है टाइगर जयराम महतो के तौर पर, जिन्होंने 2 दिन पहले एडीएम बिल्डिंग के समक्ष बड़ी दहाड़ लगाई थी, उसके बाद आज इन्हें कैंप जेल की शरण में भेज दिया गया है। इन्हीं नौजवानों से पूछते हैं और जानते हैं कि अब जयराम की दहाड़ के बाद भी कैंप जेल में आपको आना पड़ा है, क्या समस्या हो गई, क्या बताया गया? देखिए, समस्या तो बहुत जटिल है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को प्रारंभ किया था 6 तारीख को, और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उसको समर्थन में हम लोग जयराम महतो जी के पास भी हम लोग गए थे और उनसे भी मदद के लिए गुहार लगाई थी, और उन्होंने भी आके जो है वो समर्थन दिया था। 48 घंटे का समय भी दिया गया था प्रबंधन को कि हमारे प्रति जो है वो रुख अपना है सरकार। आपके साथ जयराम महतो को क्यों सहारा, जयराम महतो का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है आप लोगों को, जबकि इतने बड़े बड़े नेता हैं विस्थापितों के, यहाँ राजनीति करते हैं विस्थापितों के नाम पर, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, विस्थापितों के नाम पर कई चीज़ों का सहारा लेते हैं, जयराम महतो का सहारा क्यों लेना पड़ा? हम लोग इससे पहले भी हम लोग जो हमारे सांसद हैं माननीय श्री पीएन सिंह जी, उनके पास भी हम लोग धन्यवाद कितने बार आए गए, वो बोले कि आप लोग का बात हम लोग इस्पात मंत्री के पास रखेंगे, यहाँ रखेंगे, वहाँ रखेंगे, आप लोग को बताएंगे कब चलना है, वैसा होगा तो आप लोग भी चलिएगा, ऐसा हम लोग को बोले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। हम रात में अचानक उठा के ले आल तो हमने रातें 3:30 बजे पूरा जोर जबरदस्ती करके अखन हमने घेरा लिए फिर से, और हम जब तक ये मैंने तब तक हम लड़बे और जो पुरजोर तरफ से लड़बे। अब जयराम दा के भी समर्थन है अखन आर अखन आग लगते बोकारो में, हमने जब तक समस्या के हल ना दे तब तक हमने के जेल में डालो, चाहे फांसी दो चाहे गोली मारो, हमने छोड़बे नहीं। भूख हड़ताल है तो नहीं, हाँ बिहान से भूख हड़ताल है इस प्रशासन की तरफ से और बीडीएम बीएसएल की तरफ से, अभी तक कोई सूद लेने के लिए नहीं आया है। हाँ। और सड़ा हुआ पानी जिसमें केमिकल निकल रहा है और अलकल कतरा निकल रहा है वो पीने के लिए दिया गया है, और हम लोग उस पानी को छुए तक नहीं है, हम लोग अपना पानी लेके और अपने पी रहे हैं, ना नाश्ता दे रहा है, कुछ नहीं दिया, ना ही यहाँ का जनप्रतिनिधि एक भी सूद लेने के लिए नहीं आया है कि आप लोग कौन है, क्या हुआ क्या नहीं, सिर्फ यहाँ का जनप्रतिनिधि वोट लेने के लिए आया गाँव कि हमको वोट दीजिए हम विकास करेंगे, लेकिन अभी तक परीक्षण के नाम पे हम लोग को बैठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सो अभी तक कोई
सूत्र लेने नहीं है बीरेन सिंह राय नहीं पीएन सिंह सिर्फ हमने हड़ताल में नाश्ता चाहिए तोरा नहीं हमने नाश्ता नहीं चाहिए हमने के नियोजन चाहिए और डायरेक्ट नियोजन चाहिए हम लोग को छह साल से रखा जा रहा है यहाँ पर विस्थापितों को बड़ो बड़ो हमारा नेता तोरा विस्थापित को तुम एते बड़ो बड़ो नेता विधायक सांसद बनी गल तू बड़ो बड़ो विस्थापित बड़ो बड़ो गाड़ियों आ गए विस्थापित नेता उनका क्यों साथ दिए नहीं आये तू कोई साथ दिए ना तुम चौबीसे दिखाई देबो अगला के कि वोट कैसन काटे के चाहिए और वोट कैसन दिए के चाहिए ओनली फॉर जयराम दादा होगा ओनली फॉर जयराम दादा के वोट देबो और ककरो ना जो नौकरी देगा विस्थापितों को उसी को नौकरी उसी को वोट मिलेगा नहीं तो और किसी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक रहता है स्टेडियम बनाता है एनओसी लेता है बिहार मंडप बनाएंगे वो बनाएंगे लेकिन अभी तक तीन रात से सोए हैं तीन दिन तीन रात अभी तक पानी भी पूछने के लिए यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया सिर्फ विस्थापित के नाम पे ठगता है कि विस्थापित का विकास करेंगे और मीडियाबाजी करता है इलेक्ट्रिक मीडिया से कि विस्थापित के बाप का जमीन है क्योंकि अभी तक पूछने क्यों क्यों नहीं आया अभी तक कैंप चले पहुँचा दिलो एक बाद की कर पार्बे तोरा आगू रणनीति हम भी करबो जयराम दा आई रहलो आई रहलो जयराम दा आई रहलो हम लोग सब मिल के एक रणनीति बनाएंगे देखते हैं बीएसएल अभी क्या कर रहा है और इनका साफ साफ कहना है कि आने वाला समय में जे राजनेता विस्थापित के नाम लेकर राजनीति कर लत उनका सबक सिखाती लेकिन आज एक बार फिर जयराम महतो आने वाला है हिमांशु जी एक बार फिर विस्थापितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इन अप्रेंटिस संघ के युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए जयराम जी आ रहे हैं नहीं जयराम जी आ रहे हैं ढेर सारे इन लोगों को बधाई कि जयराम अभी उभरता हुआ झारखंड का नया नेता है जिस पर लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन हम लोगों ने भी अपने पत्रकारिता करियर में देखा है कि इस शहर में कई जयराम आए और किस तरह इन विस्थापितों के विश्वास को लूट के चले गए मैं ये नहीं कह रहा कि जयराम महतो भी इनके विश्वास को लूटेंगे लेकिन मुझे कैसे विश्वास होगा कि इस बार विस्थापितों को जयराम महतो का जो नाव है वो किनारा लगा पाएगा ये तो वक्त बताएगा ना कि जयराम महतो इनके विश्वास पे खड़े उतर पाते हैं कि नहीं लेकिन जो विश्वास इस समय पूरे झारखंड को जयराम महतो से है उस विश्वास पे जयराम महतो धीरे धीरे खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि आपको विस्थापितों ने बताया कि कई नेताओं को यह पता है कि हम जेल कैंप जेल में है लेकिन कोई सुध लेने नहीं आ रहा ये वही नेता लोग हैं जो समय समय पर जब चुनाव होता है तो इनको इनके गाँव जाते हैं और इनको कहते हैं कि नुनू हम विस्थापित लागिए नुनू हम महतो लागिए नुनू हम अंसारी आ गए नुनू हम मिश्रा लागिए जाति की दुहाई देते हैं क्षेत्र की दुहाई देते हैं और ये वही विस्थापित हैं कि समय पे अपने वोट को बदल दिया करते हैं जिसका खामियाजा इनको समय समय पे भुगतना पड़ता है ये मैं नहीं कह रहा ये उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में जो वोट का परिवर्तन होता है आप भी चुनाव को कवर करते हैं मैं भी चुनाव को कवर करता हूँ आज जिन नेताओं पर ये दोष लगा रहे हैं उन नेताओं को परिवर्तन होने का सिलसिला किसने शुरू कराया जो नेता यहां पर मोटरसाइकिल और साइकिल से आए थे आज फॉर्चूनर और सफारी पे घूम रहे हैं किनके लाशों पर पैर रख के वो ऊपर गए हैं इन्हें भी मालूम है जिन नेताओं को कड़ी धूप में आगे मोटरसाइकिल ले लेके ये लोग घूमते हैं और नेताजी जिंदाबाद बोलते हैं आज वो नेता अपने इसी कमरे में बैठ कर ठहाके लगा रहे हैं और मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं लेकिन इनकी समस्याओं का बात करने का किसी के पास समय नहीं है जोश में जरूर ये लोग कहते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में इस बार आएगा तो वोट नहीं देंगे दक्षिणी क्षेत्र में आएगा तो वोट नहीं देंगे जयराम महतो को वोट देंगे मुझे डर लगता है जयराम महतो जैसे विश्वास जो लड़का अभी खड़ा हो रहा है मुझे उन नौजवानों के लिए डर लगता है क्योंकि भुक्तभोगी मैं भी हूं आपको भी मालूम है चुनाव क्या होता है हमने देखा है किस तरह लोग बिक जाते हैं अगर झारखंड के लोग इस बार जयराम महतो पे विश्वास जलाते हैं और अपने अरमानों को नहीं बेचने का काम करते हैं अपने वोट को नहीं बेचने का काम करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ नया होगा लेकिन जयराम महतो का जो परिश्रम है जो पसीना बह रहा है उस पसीने को विस्थापितों को भी नहीं बेचना होगा अगर इस बार इन लोगों ने अपने पसीने को नहीं बेचने का काम किया तो जरूर न्याय मिलेगा नहीं तो कई नेता हैं किनका किनका नाम लूँ जो इन्हें बेचकर एसी कमरे में है बोकारो बीएसएल प्लांट से क्वार्टर लेके आराम की जिंदगी जी रहे हैं इन्हें मिलता क्या है 100 रुपये का मोटरसाइकिल में तेल और शाम में मांस और भात जिसकी चर्चा है विस्थापित नेता करते हैं बड़े बड़े नेता करते हैं कि यार क्षेत्र में जाने से क्या होगा चुनाव के समय चलेंगे इनका वोट तो बिकता है अपने वोट को बिकने से इस बार इन्हें रोकना होगा तभी इनका अधिकार इन्हें मिलेगा नहीं तो इसी तरह कैंप जेल में चूड़ा और गुड़ मिलेगा और गंदा पानी मिलेगा और पूछने भी कोई नहीं आएगा और जब जब चुनाव आएगा तो इन नौजवानों को वही मिलेगा जो बरसों से इनके बाप दादाओं को मिलता आ रहा है नहीं बच्चे हैं सर आप देख रहे हैं बड़े बच्चे हैं और मायूस भी हैं
क्योंकि आंदोलन कर रहे थे एडीएम के पास, एडीएम के अंदर तो जाने नहीं दिया गया, सीधे जेल में लाया गया है। बेतरनी पार होगी इन बच्चों की लगता है, क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारा है। मैंने पहले ही कहा ना शर्मा जी, आपको, आप खुद विस्थापित हैं, आपका भी उम्र करीबन 45 से 47 साल हो रहा है, आपने भी कई केस खाए हैं बाबूलाल मरांडी के समय में, और आप कोर्ट जाते थे, आपसे अच्छा कोई ये दर्द नहीं जानता। आपको भी पहले विश्वास करना होगा कि ये नेता है और उसे लीडर मानना होगा, और जब वोट के समय वो आपके पास जाएगा। जयराम महतो पूरा झारखंड इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो समर्थन मांगने के लिए घूम रहा है, लेकिन जब चुनाव के समय ये पैसा मांगेंगे, चुनाव के समय जाति पूछेंगे, चुनाव के समय क्षेत्र पूछेंगे, तो क्या जयराम महतो बच पाएगा? क्या जयराम महतो जैसे लोग खड़े हो पाएंगे? अगर किसी को जब खड़ा करेंगे तब ना नेता मानेंगे, पहले किसी को बनाएंगे तब ना। अभी तक तो जिन लोगों को बनाया सब ऐसी कमरे में घुस गए, कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, और चुनाव के समय इनका वोट लेता है। आज कहां है वो विस्थापित नेता? कई नेताओं का नाम गिनवा उंगली पे, आपने देखा है यही एडीएम बिल्डिंग पे हजारों की संख्या में इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के बाप दादा, इनके साथ नेताओं का दिया, उन लोग विधायक बन गए, सांसद बन गए। उत्तरी क्षेत्र जहां पर हम लोग न्यूज कवर करने जाते थे, आज तक इन्हें पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया, और इन्हें फिर से रांची और धनबाद ले जाने की चर्चा होती है, और ये खुशी खुशी जाते हैं। अब इन क्या करेंगे? जिला अध्यक्ष इनके, मंत्री इनका, सरकार इनका, फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सोचने का विषय इन युवाओं को है, और जब युवा सोचेगा तभी क्रांति आएगी, और क्रांति का नेतृत्व करने के लिए खुद जब जयराम महतो जैसा लीडर आ रहा है, और इनके आंखों में भी विश्वास है कि जयराम महतो कुछ करेगा, लेकिन मेरे आंखों में वो विश्वास नहीं कि जयराम महतो वो कर पाएंगे, क्योंकि जयराम महतो को इन लोगों का साथ मिल पाएगा मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि इतिहास के पन्ने को मैंने भी पढ़ा है। अगर जयराम महतो को इन लोगों ने साथ दिया तो एक नई क्रांति होगी और इनका भी नया उद्धार होगा। तो जयराम महतो को अगर इन विस्थापित नौजवानों का दिल से साथ मिला, परिवार के साथ मिला, तो एक क्रांति आएगी, और उस क्रांति का लाभ पूरे झारखंड के साथ साथ बोकारो के इन नौजवान जो विस्थापित है इनको भी मिलेगा।